मगर ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते। नीतीश कुमार का तो पता ही नहीं है कि कितना देर लालटेन पकड़ के लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। नमस्कार, मैं सौम्य मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। बिहार की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। चारों ओर इस बात की सरगर्मी है कि आखिर नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा। कोई उन्हें लिख कर देने को कह रहा है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, तो कोई कह रहा है कि शाम तक स्टैंड क्लियर कर दीजिए। कोई उन्हें पलटू राम बुला रहा है, तो कोई उन्हें थाली का बैंगन बुला रहा है। इस सब का कारण सिर्फ एक चीज है, और वो चीज ये है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए ज्वाइन कर लेंगे, क्या नीतीश कुमार का अगला कदम इंडिया गठबंधन का नामो निशान मिटा देना होगा। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन को जोड़ने की शुरुआत की थी, उसकी जो नींव रखी थी उन्होंने, उसे कहीं ना कहीं खुद ही वो उखाड़ फेंकने का काम करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार बीजेपी ज्वाइन कर ले। वहीं दूसरी तरफ नेताओं का कहना है कि बीजेपी के दफ्तर के चपरासी तक उनको एंट्री नहीं देंगे। उनका कहीं ना कहीं एक वो वाला हाल हो चुका है कि न घर के रहे न घाट के रहे। दोस्तों, लगातार इसे लेकर अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। हम आपको एक एक करके वो सारे बयान सुनाएंगे भी और बताएंगे भी कि आखिर इस राजनीति में किस तरीके से लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं, बीजेपी अपना हाथ साफ करने में लगी है। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर राजभवन में राज्यपाल द्वारा हाईटी का आयोजन किया गया था, जिस दौरान नीतीश कुमार तो पहुंचे लेकिन तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव को भी इसका इनविटेशन दिया गया था, उनकी कुर्सी खाली रह गई। बाद में उनकी जगह पर कोई और व्यक्ति बैठा उस कुर्सी पर, मगर तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचे। बाहर नीतीश कुमार के निकलने पर जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आखिर तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए, तो उनका जवाब था कि जो नहीं आए हैं उनसे जाकर पूछिए, उन्हें पता होगा, हमें क्या पता। इस तरह का जवाब उनके द्वारा दिया गया, जिसके बाद से ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अब आरजेडी और राजद के बीच, आरजेडी और जदयू के बीच भी कहीं ना कहीं मनमुटाव खटास शुरू हो चुके हैं, और यही कारण है कि इस तरह का जवाब दिया गया है। इसे लेकर पिछले दिनों ट्रेंडिंग में दो वीडियोस भी लगातार सामने आ रही थी, जिसमें एक वीडियो में नीतीश कुमार ये कहते नजर आ रहे थे कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में ज्वाइन नहीं करूंगा। देखिए जरा वीडियो। जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। वहीं अब एक और वीडियो देखिए दोस्तों, जहां पर अमित शाह ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि कान खोल के बिहार के लोग सुन ले कि आज के बाद कभी भी अगर वो बीजेपी में आने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें एंट्री नहीं देंगे। स्पष्ट कह देता हूं, किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों, सुना आपने, इस तरह के बयान लगातार अब ट्रेंड में वापस आ रहे हैं। पुराने बयानों को निकाल कर फिर से एक बार लोग कह रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, और इस तरह की चीजें लगातार तेजी से हो रही है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या सच में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि बदले बदले से सुर बीजेपी विधायकों के भी नजर आ रहे हैं। सुशील कुमार मोदी का कहना है कि ऐसा नहीं है, राजनीति में कभी भी कोई भी अगर जरूरत हो तो बयान बदले भी जा सकते हैं, फैसले बदले भी जा सकते हैं, राजनीति में कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते, ये उनका कहना है। वहीं दूसरी ओर ऐसे बहुत से नेता हैं जो जदयू के हैं और राजद के हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमें पेपर पे लिख के दे दे कि वो नहीं छोड़कर जा रहे हैं पार्टी, उसके बाद हमें संतुष्टि मिल जाएगी। दूसरे लोग कह रहे हैं कि शाम तक स्टैंड क्लियर कर दे। जरा उनके भी बयान ध्यान से सुनिए। उनको मालूम है अगर प्रशांत किशोर कह रहा है कि 5 सीट नहीं आएगा तो नहीं आएगा, इसीलिए वहां पो में है कि भाजपा की ओर भागे
कि दाहिने भागे कि बाएं भागे। नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। वो गारंटी हो कि नीतीश कुमार जी आने के बाद फिर लोकसभा चुनाव के बाद जो उनके एमपी जीतेंगे लेकर के महागठबंधन में न चले जाएं, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों सुना आपने, इसके साथ ही बीजेपी विधायक मुरारी चौधरी ने भी इसे लेकर कुछ कहा है। जरा नजर डालिए, हिंदुस्तान की न्यूज है जहां पर लिखा गया है कि बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा ने से जब पूछा गया कि तेजस्वी यादव इस पार्टी में नहीं आए तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, कई चीजें टीवी के जरिए से देख रहे हैं, खेला होना ही था, अब नीतीश कुमार छोड़ गए थे तभी समझ आ गए थे कि साथ में बनेगी नहीं, क्योंकि जंगल राज का आरोप लगने के बाद फिर से उनके साथ चले जाना ऐसा तो होना ही था। वहीं बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के ना आने पर कहा कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, उनसे जवाब पूछिए, हम कैसे जवाब दे सकते हैं। बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव नहीं आए तो उनका जवाब दे देंगे। उन्होंने कहा कि हम संवैधानिक पक्ष और राष्ट्रीय पद का सम्मान करते हैं, हम जिस भी दायित्व में रहते हैं हूँ मैं निश्चित तौर पर आता हूँ और जिम्मेदारी निभाता हूँ। साफ तौर पर उनका कहना है कि अपनी जिम्मेदारी सबकी अपनी अपनी होती है, वैसे ही तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी थी, वो आए ना आए इसका जवाब उन्हें ही देना चाहिए, बेहतर होगा कि वही इसका जवाब दे। और इसे लेकर लगातार किस तरीके से बयान खुलकर सामने आ रहे हैं वो आपने देखा। दोस्तों इस तरह से लगातार राजनीति गर्माती जा रही है, लोग कह रहे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन इस तरीके से चलेगा। पिछले दिनों एक प्रोटेस्ट के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह जी ने कहा था कि इस वक्त जब न्याय यात्रा की जा रही है तो इसकी जगह विपक्ष को ध्यान ईवीएम पे देना चाहिए, विपक्ष को अपने गठबंधन पे ध्यान देना चाहिए। और उस वक्त भी उन्होंने ये बात कही थी कि आज जरूरत न्याय यात्रा की नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने की है, अगर आप जोड़ के ईवीएम के खिलाफ लड़ेंगे तो ऐसे ही सरकार नहीं बनेगी। जहां एक तरफ ईवीएम को लेकर लगातार लड़ाई हो रही थी, ईवीएम को हटाने की बात कही जा रही थी, बैलेट पेपर से चुनाव की बात कही जा रही थी, वहीं अब दूसरी ओर यहां पर गठबंधन पे ही एक बड़ा खतरा मंडराता नजर आ रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरीके से इन चीजों को पर रोक लगेगी, कितनी जल्दी जल्द से जल्द नीतीश कुमार अपना फैसला सुनाएंगे और नीतीश कुमार के फैसले के बाद क्या कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा या फिर झटका बीजेपी को लगेगा, जिस तरीके से बातें लगातार उड़ाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो लगभग नेता है अखिलेश यादव तक ने यह बात कही है कि हमें यकीन है कि वो नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसकी नींव उन्होंने रखी थी इंडिया गठबंधन की, और हमें भरोसा है कि नीतीश कुमार अपना फैसला जल्दी ही क्लियर कर देंगे। इसी के साथ इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।